Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि सीरत जब आँख बंद करती है तब उसे कार्तिक नज़र आते हैं। वही ये बात से सीरत काफ़ी ही हैरान हो गई है और काफ़ी ही परेशान है कि रणवीर के जगह कार्तिक नज़र आते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्तिक और गोयनका फैमिली ने सीरत के लिए एक प्रोजेक्ट सोचा है। जी हाँ, गोयनका फैमिली अंडर प्रिविलेज लड़कियों को बॉक्सिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का एक प्रोजेक्ट बना रही है और वो सीरत को इस प्रोजेक्ट का फेस बनाना चाहते हैं, जहां वो जानते हैं कि सीरत ने भी कई सारे मुश्किलों का सामना किया है अपने बॉक्सिंग जर्नी में। और इसी को ध्यान रखते हुए कार्तिक सीरत को कॉल करते हैं, लेकिन सीरत अवॉइड करती है। जहाँ कार्तिक को पता चलता है कि रणवीर और सीरत का हनीमून कैंसिल हो गया है, जिसके बाद कार्तिक रणवीर और सीरत से मिलने के लिए घर जाते हैं। उनके सीरत अवॉइड करती है कार्तिक से मिलने के लिए, और वहीं तब कार्तिक देख लेते हैं कि सीरत उनसे बात नहीं करना चाहती है। लेकिन रणवीर सीरत को कन्विंस करते हैं और तब कार्तिक रणवीर और सीरत के सामने अपने प्रोजेक्ट के बारे में सीरत को बताते हैं और वो कहते हैं कि वो सीरत को फेस बनाना चाहते हैं, जिससे सुन रणवीर काफ़ी ही खुश हो जाएंगे। लेकिन सीरत मना कर देती है। जी हाँ, सीरत कार्तिक को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है और इसलिए वो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मना कर देती है। लेकिन रणवीर कहते हैं कि उसे करना चाहिए। तब सीरत कहती है कि उसे अपने नेशनल्स गेम के लिए तैयारी करना है, जहाँ कार्तिक सीरत की बात मान लेते हैं और वो घर चले जाते हैं उदास होकर। वहीं रणवीर सीरत को काफ़ी ही कोशिश करते हैं मनाने के लिए, लेकिन सीरत पहले मना कर देती है। जहाँ रणवीर कहते हैं कि उन्हें कार्तिक की मदद करनी होगी, जिस तरह कार्तिक हमेशा उसे उसकी मदद करते हैं, जिसे सुन सीरत हाँ बोल देती है। जहाँ कार्तिक के मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि क्यों सीरत उसे इग्नोर कर रही है। अब देखना यह है कि क्या सीरत सभी सच बता देगी कार्तिक को। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWMBuzz सिर्फ यूट्यूब चैनल पर।